24 hours. Schedule wise, suburban time lapse के last. 6:10 का शांतिपुर local है. सियालदा शांतिपुर. फिर वहाँ से connecting गाड़ी है शांतिपुर कृष्णनगर. Then वो वापस कृष्णनगर से शांतिपुर आएगी और same rate शांतिपुर से सियालदा आएगा. मतलब जो मुझे अंदर का route चाहिए था वो मिल गया. Thanks to rail fan Aishik Bhattacharya. जिसने मुझे वो शेड्यूल बताया. क्योंकि मुझे वो शेड्यूल पता नहीं था इसलिए मैंने बनाया भी नहीं था. उस रूट के शेड्यूल्स एंड टाइम टेबल के बारे में उतना कुछ खास आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा था कि जो मैंने फ्री डेज छोड़ा है उसमें से एक अलॉट कर दूंगा. तो वही हुआ कि अच्छा हुआ ऐशिक ने मुझे हेल्प कर दी इसके बारे में. तो ये शेड्यूल एकदम फ्लॉलेस जैसा मुझे चाहिए था कि शांतिपुर भी एक ही दिन में कवर हो और ये भी एक दिन में कवर हो जो अंदर का सिंगल लाइन सेक्शन है शांतिपुर कृष्णनगर. तो ये कवर अभी हो जाएगा. आई थिंक कंप्लीट होने में समथिंग दोपहर के 12:30 हो जाएंगे. 12:30 को सियालदा रिटर्न आ जाऊँगा. उसके बाद फ्री हूँ. अभी आया हूँ सुबह सुबह बस पकड़नी है. थोड़ा बफर रख के ही आया हूँ ताकि ट्रेन मिस ना हो. ठंडक थोड़ी है बट स्वेटर जिंदाबाद. कहाँ जाना है? ये हावड़ा सियालदा होके जाएगी. वेलकम बैक गाइस. कोलकाता सोजन के 20वें व्लॉग में आपका स्वागत है. जिनको नहीं पता है कि कोलकाता सोजन क्या है, कोलकाता सोजन मेरे उस ट्रिप के व्लॉग्स है जो मैंने बनाई थी टू एक्सप्लोर कोलकाता सबर्बन रेल नेटवर्क एंड टू मेक टाइम लैप्स वीडियोस आउट ऑफ दोज, जैसे मैं मेरे चैनल पे आपके साथ शेयर करता हूँ. तो 20th व्लॉग रहेगा 9 दिसंबर का. ये दिन में एक सबसे बड़ी अचीवमेंट मिली. मतलब कोलकाता सबर्बन के जो जो टाइम लैप्स है वो कंप्लीट हो गए थे. जो लास्ट बचा था सियालदा शांतिपुर कृष्णानगर वो कंप्लीट हो गया. और हाँ, ये रूट और शेड्यूल के लिए थैंक्स टू रेल फैन ऐशिक भट्टाचार्य जी, जिसने ये शेड्यूल ये टाइम टेबल मुझे दिया सियालदा शांतिपुर कृष्णानगर. बिकॉज मुझे सियालदा टू शांतिपुर का टाइम टेबल अच्छे से पता था, बट आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज व्हेन इट केम टू शांतिपुर कृष्णानगर, क्योंकि वो सिंगल लाइन है. एंड जहाँ से मैं रिसर्च कर रहा था इंडिया रेल इन्फो, उस पर इतना कुछ प्रॉपर डिटेल नहीं था उन सर्विसेज का. तभी अभी है वो रूट के सर्विसेज का प्रॉपर डिटेल नहीं था. वो सिर्फ मॉर्निंग में ही दो सर्विस चलती थी. तो वो कंप्लीट हो गया. एंड वो कंप्लीट हुआ बहुत जल्दी, कुछ 12 बजे. तो फिर मेरा नेक्स्ट जो ऑल्टरनेट टारगेट्स थे कि ट्रैम के वीडियोज़ बनाने हैं रेल डूडल के लिए वगैरह वगैरह, अब तक मैंने शेयर नहीं किए बट आएंगे, बहुत जल्द आएंगे. एंड मेरी एक बहुत लंबी इच्छा थी हावड़ा ब्रिज से वॉकिंग हुगली रिवर पार करने की. दो मुझे क्या उसको बोलते हैं, हाइट का थोड़ा सा डर है, ज़्यादा हाइट पे नीचे नहीं देख पाता, एक्रोफोबिया बोलते हैं जिसको. बट स्टिल हावड़ा ब्रिज मुझे वॉकिंग पार करना था. तो ये मैं तीनों एक्टिविटीज़ ये एक दिन में कर पाया बिकॉज एक ही टाइम लैप्स शूट करना था सियालदा कृष्णनगर वाया शांतिपुर एंड रिटर्न. हाफ डे में हो गया. एंड फिर वहाँ से गया मैदान ट्रैम वीडियोस लेने एंड वहाँ से फिर हावड़ा ब्रिज. अभी मेरे कुछ वीडियोस पे कमेंट आए हैं कि भाई कोलकाता से रिटर्न आ जाओ, अभी मुंबई के भी शूट करो. तो मैं आप सबको ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि कोलकाता सोजन की जो कोई भी व्लॉग शेयर कर रहा हूँ, जैसे ये 19 हुआ, इसके पहले जो 18 शेयर किए, इसके बाद जो व्लॉग 29 तक शेयर होंगे, तो ये मेरे
कोलकाता के ट्रिप के व्लॉग्स हैं जो मैंने बनाई थी नवंबर और दिसंबर 2018 में। तो जो 2018 की बात आई उससे एक और बात कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार 2018 के वीडियोस है, अब तो 2020 चालू हो गया। इसके लिए सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि यार देखो, मैं ये सोल बेसिस पे वीडियो एडिटिंग करता हूँ, अकेला करता हूँ, मतलब कोई टीम ऐसे नहीं है। अकेला वीडियो एडिट करना, उस पर जो कुछ एडिशन डालना है, जो अभी ऐसे नरेशन वीडियो रिकॉर्ड करना, म्यूज़िक ऐड करना, ये सब सोल बेसिस पे करता हूँ। एंड उसके वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। एंड मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था कुछ फरवरी 2019 में, और तब से मतलब सिर्फ व्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ, साथ में टाइमलैप्सेस आ रहे कोलकाता के, साथ में कुछ रेल नूडल्स आए, कुछ लोकल वीडियोस जो मुंबई के अराउंड के हैं, जो सेरेमनीज वगैरह है वो डाले, जो स्पेशल कैप्चर थे वो डाले। तो वो टाइम के कारण व्लॉग वीडियोस थोड़े डिले हुए। एंड फरवरी 19 से जुलाई 19 तक तो मैं पूरा टाइम देता था, बट आफ्टर जुलाई 19 आई हैव एन फुल टाइम ऑफिस जॉब। तो वो फुल टाइम ऑफिस जॉब करने के बाद जो मुझे टाइम मिल रहा है उसमें मैं काम करता हूँ ऑन माई व्लॉग्स एज वेल एज टाइम लैप्सेस। तो सॉरी बट उसके वजह से डिले हो रहा है। आई नो कि अभी एक साल होने को आया उस चीज़ को, फरवरी 2019 में स्टार्ट किया था एंड अभी फरवरी 2020 चालू हो गया। एंड फिलहाल तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि ये व्लॉग वीडियो जितने जल्दी हो सके आपके साथ शेयर कर पाओ, ताकि वो स्टोरी भी आपको पता चले सब पूरी, जो मैंने एक महीना कलकत्ता में बिताया था। एंड इन वीडियोस के बाद तो क्या बचेंगे फिर, टाइम लैप्सेस एंड रेल नूडल्स, बस वही रहेंगे कंटेंट में। एंड जो कुछ स्पेशल कैप्चर्स या सेरेमनीज इवेंट्स रहेंगे वही। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियोस नरेशन। तो अभी देखेंगे वो वीडियो में और क्या क्या किया मैं उस दिन।
हावड़ा ब्रिज के ऊपर से वॉकिंग उस तरफ जाऊंगा, कोलकाता साइड हूँ अभी, हावड़ा टाइप हावड़ा साइड में निकलूंगा वॉकिंग। बड़े दिनों की इच्छा थी वैसे भी मेरी। रविंद्र सेतु मेंटेन बाय कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। रेलवे लाइन सर्कुलर रेल। ब्रिज वाइब्रेट बहुत कर रहा है जहाँ, आई डोंट नो ये रेगुलर है या नहीं, बट ब्रिज वाइब्रेट बहुत कर रहा है, थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि हाइट का भी थोड़ा सा क्वालिटी को है ना। वाइब्रेशन पता नहीं कैसे दिखा पाऊंगा, बहुत वाइब्रेट हो रहा है ब्रिज, दिखाता हूँ। एक
रुपए का सिक्का समझ में आएगा कि वाइब्रेशन कैसा हो रहा है। Thank you.
24वें दिन 24th डे पे जो मेन टारगेट था या जो मेन अचीवमेंट मिला था वो कम्प्लीट हुआ। आज जाके पूरा का पूरा कोलकाता सबर्बन और ईएमयू का नेटवर्क पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो गया, पूरा पूरा कवर हो गया टाइम टैक्सेस में। आज सियालदह शांतिपुर कृष्णा नगर और सेम रूट से रिटर्न किया। अभी जो बचे वो एडिशनल है, लाइक सियालदह कट हुआ तो पूरा कंडीशनल है, मतलब रेक कैसे मिल रहा है मुझे, कैसा रेक पे रह रहे कि नहीं या वॉट एवर। और बचे फिर तीन रिमोट मेमू और डीएमयू, एक मतलब दो मेमू और एक डीएमयू। फिर जो कोलकाता के लिए टारगेट बनाया था वो कंप्लीट, वो एक खुशी की बात है, आज अचीवमेंट भी मिला। बट कोलकाता के सब दिन ख़त्म हो रहे, वो थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, बट बेकार लग रहा है यार। आज रूट जल्दी ख़त्म हुआ, 12:30 को मैं सियालदह पहुँच गया। तो वहाँ से लंच ही मैंने एस्प्लेनर में किया। देन वहाँ पे मैदान एरिया में थोड़े से ट्रैम के वीडियोस लेने गया, रेड नूडल वगैरह के लिए या फिर मेमोरी के लिए सब चाहिए। अगर हुआ रेड नूडल तो ठीक, आई कांट गारंटी। फिर वो जो जितने चाहिए थे उतने वीडियोस ले लिए, कितनी इस बार जाएगी यार अभी 3 देखी। और फिर वहाँ से गया हावड़ा ब्रिज वॉक, वो भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था। वाइब्रेट कर रहा था फिर भी, मतलब चलो अकेला फर्स्ट टाइम इतना डर नहीं लगा जैसे हुआ, डर नहीं लगा तो यूजुअली मैं डर जाता हूँ ऐसे केस। सो अभी 6 बज रहे हैं, 24वां दिन ख़त्म करके रूम पे लौट रहा हूँ। अभी देखते घर पे क्या क्या कर पाऊँगा, रूम पे थोड़े से वीडियोस सब, अभी वही डेटा ट्रांसफ़र करने का रहता है रोज़ का काम।